अच्छे से खाना खाना और मेरे वीरानो आशीर्वाद देना, इसे कभी भी कोई भी तकलीफ में ना फंसे। चाचा जी कुछ चाहिए? ना पुत्र, सब कुछ है थाली में। रब का शुक्र है मुझे कुछ नहीं हुआ, वरना मातम छा जाता पूरे पिंड में। है मातम क्यों होता है? मेरा पुत्र चैन से लंगर खा लेने दे उनको, बाद में अपना सवाल पूछ लेना। जाओ तेरे किसी को कुछ चाहिए क्या? जा पूछ। जी आप मैं आपके वास्ते बैठने के लिए जगह बना लेता हूँ। पुत्र कोई गल नहीं, तू सेवा कर, असी इंतजार कर लेंगे। संपूर्ण पिंड च नए नए काम करन दा बड़ा शौक सी। हर साल बसंत पंचमी में कुछ ना कुछ नई शुरुआत करता था, और मैनू वेखो इस परंपरा को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। 4 साल तो किस्मत ने साथ दे दिया था कि कुछ नया नया निकल आया। इस साल तो मेरे हाथों कुछ भी नया नहीं होगा पिंड में। देखो जी, काम होना या ना होना तो बात की बात है, बोलने में क्या जाता है? कम से कम काम करने का झूठा वादा तो दे दो, कम से कम नाक कटने से तो बच जाएगी ना। ओ मानसरी जी तुसी ना की रहन दे। सत श्री अकाल निहाल सिंह जी। सत श्री अकाल जी। बसंत पंचमी दी बधाइयां आपको भी। सरपंच जी आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। हाँ हाँ जी बिल्कुल, आपको पूछने की कब से जरूरत पड़ गई? अरे आप तो इस पिंड के ना होके भी इस पिंड के ही हो गए, खास करके संपूर्ण के परिवार के। अब देखो ना जी कैसे वीरा को बाहर निकाला, और वो पंचायत में तो क्या बोले थे जी आप। वैसे मानना पड़ेगा बड़े अच्छे यार हो तुसी। संपूर्ण के परजय जी इतने जगह खाली हो गई है, तुसी आ जाओ। चल पुत्र। हाँ जी दसो की कह रहे सी?